वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, वेलकम बैक। माई नेम इज तन्मय भटनागर एंड थैंक यू सो मच फॉर माई न्यू सब्सक्राइबर्स हु सब्सक्राइब माई चैनल सो वेल एंड गिव मी दैट मच लव। और आज टॉपिक है प्लानिंग। क्या प्लान करना जरूरी है किसी भी चीज को? हाँ जी, प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अगर किसी चीज को प्लान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अनप्लान्ड वे में हम अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। छोटी छोटी चीजों की प्लानिंग करना भी बहुत जरूरी है। आप देखिएगा, जितने भी सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में हुए, चाहे वो कोई भी हो, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटे से छोटा बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, अगर वो सक्सेसफुल है तो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उसकी प्लानिंग सक्सेसफुल है। वो प्लान करता है, बिना प्लान किए हुए कोई भी कहीं नहीं जाता। आपको किसी भी बड़ी शख्सियत से मिलना है, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि उसका एक एक मिनट उसके टाइम टेबल में उसके सेक्रेटरी के द्वारा लिखा जा चुका है कि आपको सर इससे इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़ा बनने के लिए बड़े लोगों की आदतें अपनाना जरूरी है कि नहीं? बड़े लोगों की आदतें अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी आदतें अपनाइए तभी आप बड़े बन पाएंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप किसी भी काम को प्लान नहीं करोगे तो वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा, काम फेल भी हो सकता है। एक कहावत भी है, प्लानिंग टू फेल इज अ फेल टू प्लान। मतलब कि अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो गए तो आप काम करने में भी कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे। और प्लानिंग करने से फायदा क्या होगा? प्लानिंग करने से आपके पास एक ब्लूप्रिंट होगा, मुझे ये करना है, इस वक्त करना है, इतने बजे करना है, यही करूंगा। चाहे वो लाइफ की प्लानिंग हो, चाहे आपकी डे टू डे की प्लानिंग हो, चाहे आपकी 5 years की प्लानिंग हो, लेकिन प्लानिंग इज मस्ट। व्हेन यू आर प्लानिंग द थिंग्स यू विल बी सक्सेसफुल। इफ यू आर नॉट प्लानिंग यू विल बी सक्सेसफुल, बट मुझे नहीं पता कि कितने टाइम में होंगे। प्लानिंग बहुत जरूरी है और छोटे से छोटे चीज की प्लानिंग करिए। सुबह से लेके उठ के और शाम तक सोने की हर एक चीज की प्लानिंग करना जरूरी है। अगर आपको अपने इस लॉकडाउन के अंदर आपको एक एक चीज देखनी है, आपको एक एक चीज को वॉश करना है, कुछ भी करना है, इस लॉकडाउन में भी प्लानिंग करने की आदत डाल लो। प्लानिंग नहीं करोगे तो आगे आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। प्लानिंग कर ली, ब्लूप्रिंट बना लिया, उस चीज पे चलना वो दूसरा टॉपिक है। वो दूसरा टॉपिक पे बात करूंगा कि प्लानिंग पे स्टिक कैसे रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी लैंड को फर्टाइल करो, प्लानिंग करो। छोटा सा स्टेप बताता हूं। अगर आपको सुबह कहीं जाना है और आज रात में आप उसकी बैठ के प्लानिंग कर लो, अभी तो जाने की बात नहीं करनी है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन बात की बात बता रहा हूं कि अगर आपको सुबह कहीं जाना है तो रात को बैठ के प्लान करो कि मैं सुबह उठ के क्या करूंगा। स्टेप बाय स्टेप देखो मैं क्या करने वाला हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर वहां जाकर के वापस आके मैं क्या काम करूंगा। अपने पूरे दिन को ऐसा प्लान करो जिससे कि आप अपने आप में बिजी रहो, क्योंकि जब आप अपने आप में बिजी रहते हो तभी आप अपने आप पे ध्यान दे पाते हो। क्योंकि अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होती तो कोई भी दूसरा तीसरा बंदा आके आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है, तो वो चाहे सक्सेसफुल हो चाहे ना हो, लेकिन आपको सक्सेसफुल होने नहीं देता। ये सच बात है। अगर आपके पास प्लान है कि मुझे इस काम को इतने बजे करना है, तो चाहे कोई भी दोस्त आता रहे, कोई भी लोग आते रहे, आप अपने प्लान पे स्टिक रहिए। आपको मालूम है कि आपके निर्धारित समय है, आपको इस काम को इस टाइम पे करना है, तो आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे। और अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं करी तो कोई भी बंदा आएगा और आपको कहीं भी लेके चला जाएगा। कोई भी आएगा आपके लाइफ को गोलमोल 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 करता रहेगा, और जाहिर सी बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कैसा हो रहा है आपके साथ, क्योंकि आपके पास तो कोई प्लान है ही नहीं ना। अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी हैबिट्स को बढ़ाइए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए। होगा कब? जब प्लान करोगे। प्लानिंग करना बहुत जरूरी है।
ठीक है. सो थैंक यू सो मच गाइज. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट. इफ यू लाइक दिस देन यू कैन फॉरवर्ड इट ऑल्सो. थैंक यू सो मच. नमस्कार.